नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में बीजेपी से जो विधायक हैं नितेश राणे, उनका एक बयान बहुत वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने एक पूरे समुदाय के लोगों को धमकी दी थी। इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना, वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। ये वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर मानो बवाल हो गया। कई लोगों ने नितेश राणे पर कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने इस विवादित बयान को लेकर नितेश राणे पर कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि दोस्तों, मैं यहां पर आपको यह बता दूं कि ना ही यह पहला बयान है और ना ही नितेश राणे की ओर से दिया गया सबसे घिनौना बयान है। पिछले कुछ सालों में जहां जहां पर महाराष्ट्र में सांप्रदायिक तनाव का माहौल रहा है, वहां पर या तो तनाव बढ़ने से पहले या तनाव बढ़ने के बाद नितेश राणे वहां पर पहुंचते हैं और इसी तरह का बयान वो देते हैं। इस बार क्योंकि ये बयान हिंदी में दिया गया था तो महाराष्ट्र के बाहर के आप में से कई लोग चौंक गए और आपने कार्रवाई की मांग की। नितेश राणे दोस्तों हिंदू सकल समाज और जन आक्रोश रैली के तहत उन्होंने महाराष्ट्र भर में पिछले साल 50 से अधिक रैलियां की। वहां पर उन्होंने इसी तरह के नफरती भाषण दिए हैं। अगर नितेश राणे केवल एक भड़काऊ भाषण देने वाले नफरती चिंटू होते तो उनको हम सभी नजरअंदाज कर देते, मैं आपके सामने इस तरह का वीडियो नहीं लाता। लेकिन वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और फिलहाल वो बीजेपी से विधायक हैं। पहले वो शिवसेना में थे उनके पिता के साथ, फिर वो कांग्रेस में गए, फिर उन्होंने खुद की पार्टी बनाई। जब उनके पार्टी से कुछ नहीं हो पाया तब वो बीजेपी में शामिल हो गए। वो लगातार इस तरह के बयान देते रहे हैं। बीजेपी को पता है कि वो इसी तरह के बयान देते हैं, लेकिन बीजेपी अब ऐसे नफरती चिंटुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि महाराष्ट्र में नफरत को बढ़ावा मिल सके। आप में से कई लोगों को लगा होगा कि ऐसे बयान जब वायरल हुए थे उसके बाद कम से कम नितेश राणे चुप बैठ जाएंगे, इसके बाद वो ऐसा कोई विवादित बयान नहीं देंगे। लेकिन आप सभी गलत हैं। बीजेपी ने ऐसे गुंडों को केवल राज्य में माहौल खराब करने के लिए ही पाल रखा है। नितेश राणे ने दोबारा एक नया बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को कहीं पर भी घर नहीं दिया जाना चाहिए। इस बयान को आप सुनिए। घर विकता त्यांच्या बरोबर व्यवहार करताना ते हिंदू फसले पाहिजे एवढं फक्त काळजी घ्या। हे सर्व धर्म समभाव आपण मानायचं नाही, ते भाईचारा विरा झाला त्यांच्या दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं नितेश राणे सहित उनके परिवार के सदस्यों के बारे में बात करूंगा और बताऊंगा कि कैसे ये एक के बाद एक नफरती भाषण देते हैं लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से एक दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप इस चैनल में नए हैं या इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सोहित मिश्रा ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह के एनालिसिस आपके सामने लाते हैं और जो सच है वो आपके सामने बताते हैं। बहरहाल वीडियो में वापस बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको न केवल नितेश राणे बल्कि उनके परिवार के और जो दो सदस्य हैं, नीलेश राणे जो उनके भाई हैं और नारायण राणे जो उनके पिता हैं, उनके भी हाल के कुछ हरकतों के बारे में बताऊंगा जिससे कम से कम आपको ये अंदाजा तो लग जाएगा कि राणे दंपति के लोग वाकई कानून व्यवस्था की कैसे धज्जियां महाराष्ट्र में उड़ा रहे हैं। शुरुआत हम करते हैं नितेश राणे के ही उस बयान से जहां पर उन्होंने मस्जिदों का जिक्र किया था। अगर आप में से कई लोगों को पता नहीं है कि मामला क्या था तो कुछ हफ्तों पहले अहमदनगर से आने वाले एक महंत हैं जिन्हें महंत रामगिरी महाराज के नाम से जाना जाता है, उन्होंने नासिक के कार्यक्रम में प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ एक विवादित बयान दिया था जिसके विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस महंत के खिलाफ महाराष्ट्र के कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद अब नितेश राणे की ओर से दूसरे कार्यक्रम में मस्जिदों में घुसकर मारने की बात कही गई थी और राज्य के कई इलाके में सांप्रदायिक तनाव फिर से बढ़ गए थे। नितेश राणे की ओर से दिए गए इस बयान के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला तो दर्ज किया लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ये जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया ना, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, आप सुनिएगा पूरे वीडियो में मैं कितनी बार कहता हूं और एक क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों केवल नितेश राणे ही नहीं, उनके भाई नीलेश राणे और उनके पिता नारायण राणे भी पिछले कुछ समय से विवादित बयान देते आ रहे हैं लेकिन उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसी साल 28 अगस्त को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में बीजेपी और उद्धव ठाकरे के शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो आमने सामने आ गए थे। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढह जाने के बाद उस जगह पर शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे पहुंचे थे और वही ठीक उसी समय पर नारायण राणे भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ उस इलाके का जायजा लेने वहां पर पहुंच गए थे।
उस समय दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिसके बाद माहौल थोड़ा गर्म हो गया था, खराब हो गया था। उस समय महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे नारायण राणे ने पुलिस से बातचीत करते हुए कहा कि वो रात को इन लोगों को घर से निकाल कर मार देंगे। ये पुलिस के सामने कहा उन्होंने, और इस समय उन्होंने कुछ समाचार चैनल के रिपोर्टर्स के साथ बदसलूकी भी की। तो दोस्तों इतना ही काफी नहीं है। उसी दिन नारायण राणे के जो बेटे हैं और पूर्व सांसद हैं रह चुके हैं जो नीलेश राणे, उनकी ओर से भी पुलिस के साथ उनकी बहस हो गई थी। दरअसल शिवसेना और बीजेपी कार्यकर्ता जो आमने सामने आ गए थे तो उस बड़े तनाव को रोकने की कोशिश पुलिस कर रही थी, और तब आप देखिए कि नीलेश राणे पुलिस से किस तरह से आक्रामक तरीके से बात करते हैं। इस वीडियो को भी आप देखिए। नारायण राणे की ओर से जान से मारने की धमकी और नीलेश राणे की ओर से पुलिस के साथ किए गए बदसलूकी पर जब राज्य के जो गृह मंत्री हैं वो भी बीजेपी से ही आते हैं देवेंद्र फडणवीस, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहते हुए इस बात को टाल दिया कि नारायण राणे आक्रामक तरीके से बात करते हैं लेकिन उनका ऐसा कोई मतलब नहीं रहता है। यानी एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने क्लीन चिट दे दिया, उनके ही पुलिस फोर्स से ये झगड़ते नजर आते हैं, मारने की धमकी देते नजर आते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि केवल आक्रामक तरीके से ही ये बात करते हैं। सोचिए अगर विपक्ष के लोग इस तरह से बात करते तो अब तक वो जेल में होते। बहरहाल नारायण राणे के जो बड़े बेटे हैं नीतीश राणे, उनकी ओर से दिए गए इस तरह के तमाम बयान को लेकर पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं की जाती है। शायद इसका एक कारण मैं आपको बताता हूं। आप सोचेंगे कि पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं करती है, इसका कारण यह है कि उनकी ओर से तो पुलिस को ही धमकी दी जाती है। 13 अगस्त को महाराष्ट्र के सांगली के एक कार्यक्रम में बात करते हुए नीतीश राणे ने तो पुलिस को ही धमकी दे दी। ये कहा कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, पुलिस को यह बात याद रखनी चाहिए, अगर उनकी मस्ती यानी पुलिस की मस्ती इसी तरह से चलती रही तो उनको ऐसी जगह पर ट्रांसफर कर देंगे जहां से वो अपनी बीवी से भी फोन पर बात नहीं कर सकते। इकडच्या पोलीस खात्यातल्या काही अधिकाऱ्यांनी सांगितलं, सरकार हिंदुत्वाने आहे, गृहमंत्री आमचे देवेंद्र फडणवीस साहेब आहे, तुम्हाला अगर त्या पोस्टिंगवर अगर मजा येत असेल ना तर अशी सगळी मस्ती करा, पण तुम्हाला अशा जिल्ह्यामध्ये घेऊन जाऊ ना ते बायकोला फोन पण लागणार नाही। इसी तरह सितंबर 2023 के एक भाषण देते हुए नीतीश राणे ने कहा कि हम पर कोई मामला दर्ज नहीं होगा, ये हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं का राज्य है, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। पोलिसांच्या समोर देतो, चिंता करू नका, माझा काही वाकड करू शकणार नाही। जनवरी 2024 में मीरा रोड में दो गुटों के बीच बड़े तनाव के बाद नीतीश राणे ने वहां पर भी भड़काऊ बयान दिया था। उस समय भी उन्होंने कहा था कि वो उन लोगों से भी जय श्री राम का नारा लगवाएंगे जो नहीं लगाते हैं। तब भी उनके खिलाफ मामला तो दर्ज किया गया था लेकिन आगे कुछ भी नहीं हुआ। आप देखो उधर नहीं जय श्री राम का नारा लगेगा ना तो मेरा नाम बदल देना। दोस्तों इस साल सिटीजन फॉर जस्टिस एंड स्पीच की ओर से अप्रैल महीने में छपे इस रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे इस साल के पहले 4 महीने के भीतर ही महाराष्ट्र में 7 नफरती भाषण दिए गए जिसमें नीतीश राणे का भी जिक्र है। राणे कभी लव जिहाद की बात करते हैं, कभी लैंड जिहाद की, तो कभी कभी अलग अलग तरीके से मुसलमानों के बारे में नफरती भाषण वो देते रहते हैं। नीतीश राणे के अगर आप इतिहास को देखेंगे तो वो इसी तरह से विवादित बयान लगातार देते रहे हैं। उन्होंने NCP प्रमुख शरद पवार को पिछले जन्म में औरंगजेब कहा है कि वो पिछले जन्म में औरंगजेब थे, तो वहीं मई महीने में लोकसभा चुनावों से पहले उन्होंने मुंबई से सटे पालघर के अपने एक भाषण में हिंदुओं को बीजेपी के लिए वोट करने कहा था, ये कहते हुए कि महाविकास आघाड़ी के नेता लव जिहाद और लैंड जिहाद के लिए काम करते हैं। नीतीश राणे हिंदू जन आक्रोश के नाम पर भी राज्य के कई जगहों पर रैली करते रहते हैं। इसमें जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, मस्जिदों को गिरा देने की बात करना मानो आम सा हो गया है। ऐसे ही एक बयान नीतीश राणे ने लोकसभा चुनाव के समय दिया था जहां पर उन्होंने कहा था कि लोग कानून अपने हाथ में ले लें।
उनका कहना था कि धर्म के नाम पर अगर आप कानून अपने हाथ में लेते हैं तो आपको बचाने का काम मेरा है। आगे वो कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारे बॉस सागर बंगले में बैठते हैं। सागर बंगला देवेंद्र फडणवीस का बंगला है जो राज्य के गृह मंत्री हैं। वो कहते हैं हमारे बॉस सागर बंगले में बैठे हुए हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नितेश साहब कार्यक्रम करून टाकला, आता पोलीस मागे लागलेत वाटवा, झाल्यानंतर फोन करा, विचारायला फोन करू नका, झाल्यानंतर सुखरूप घरी पोहोचवण्याची जबाबदारी आमच्या लोकांची असेल एवढा विश्वास तुम्हाला आजच्या निमित्ताने देत। आपला बॉस बसलाय सागर बंगल्यावर, काही होत नाही आम्हा लोकांना। आपले भाषणों में वो अली और बजरंग बली की भी बात करते रहते हैं। दोस्तों ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे का मेरा मकसद है आपके आंखों पर बंधे उस पट्टी को हटाना जिसके जरिए आपको लगता है कि इस देश में कानून व्यवस्था सही से चल रही है। सच्चाई ये है कि सत्ता में शामिल लोग मुसलमानों से लेकर पुलिस तक हर किसी को धमकी दे सकते हैं, लेकिन उनके बॉस देवेंद्र फडणवीस जो अपने आप को एक पढ़ा लिखा सोफेस्टिकेटेड नेता बताते हैं वो कुछ नहीं करते। ये सब दोस्तों तब होता है जब इन्हें हारने का डर होता है। महाराष्ट्र में पिछले 2.5 साल में अपने काम के नाम पर और पार्टियों को तोड़ने के नाम पर अब ये लोगों से वोट नहीं मांग सकते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव कब भी हो सकते हैं और इसलिए अब वो हिंदू मुस्लिम के एक पुराने राग का इस्तेमाल करते हैं और इनकी कोशिश आपको भड़काने की होती है। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या आपको भड़कना चाहिए? हम सबको मिलकर नितेश राणा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाने की मांग जरूर की जानी चाहिए और सरकार पर तब तक दबाव बनाना चाहिए जब तक वो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होती है तब आप समझ जाइए कि ना ही पुलिस निष्पक्षता से काम कर रही है और ना ही अदालत। इस वीडियो के जरिए इस सच्चाई को मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। केवल एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल होता है और आप चौंक जाते हैं, चौंकिए मत, ये लगातार हो रहा है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत लगातार फैलाई जा रही है और राज्य के गृह मंत्री सहित राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हर कोई चुप है। ये चाहते हैं कि इसी तरह से नफरत फैलता रहे महाराष्ट्र में ताकि लोग आपस में बढ़ जाएं। और इन्होंने 2.5 साल में जो दो पार्टियों को तोड़ा है, जो कुछ काम नहीं किया है, जो यहाँ की इंडस्ट्रीज बाहर लेकर चले गए हैं, वो इसी तरह से चुप रहें और लोग हिंदू मुस्लिम सिलेबस में फंसे रहें। क्या आप इसमें फंसेंगे? ज़रूर बताइए। देवेंद्र फडणवीस को लेकर आप क्या सोचते हैं ये भी ज़रूर बताइए। इस तरह के वीडियो के जरिए इस पूरे राणे दंपति जो पूरे एक तरीके से नफरत चिंटुओं का परिवार है उनका खुलासा करने की मैंने कोशिश की है। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। हम इसी तरह के वीडियोस लगातार करते आए हैं और जब तक कर सकते हैं करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल, मेरा नाम है सोहित मिश्रा। नमस्कार।